ब्लैंकेट रिजर्वेशन किसको नहीं दे सकते हैं ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, क्योंकि वो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मराठा समाज जो है वो पिछड़ा नहीं है, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। शिंदे साहब ने, जो हमारे मुख्यमंत्री महोदय कैबिनेट ने कहा कि भाई ये न्यायमूर्ति शिंदे काम करेंगे इसके ऊपर, हम लोग करो, क्योंकि वहाँ जाना है उनकी भाषा में, अगर अलग भाषा है वहाँ की तो क्या लिखा है वो ढूंढना है, करो, वो काम हो गया है। मगर सारे महाराष्ट्र में ये काम करने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि जिनको जिनको चाहिए था वो लेके बैठे हैं 30 साल से। महाराष्ट्र सरकार में रहते हुए छगन भुजबल का यह बयान सभी को हैरान कर रहा है। सवाल ये है कि अगर भुजबल मराठा समाज को और अपनी सरकार को ही नाराज करने पर तुले हैं, तो वे खुश किसे करना चाह रहे हैं? क्या ये फिर से महाराष्ट्र में ओबीसी वोटों को अपने साथ जोड़ने की कोशिश है? महाराष्ट्र में छगन भुजबल की पहचान एक आक्रामक ओबीसी नेता की रही है, लेकिन जिस ऊंचाई पर छगन भुजबल अपने आप को स्थापित करना चाहते थे वहां तक वे नहीं पहुंच पाए, लेकिन मराठा आरक्षण आंदोलन ने उन्हें बैठे बिठाए ये मौका दे दिया है। मुझे लगता है कि छगन भुजबल उस पॉलिटिकल स्पेस को भरने की कोशिश कर रहे हैं जो कि गोपीनाथ मुंडे की मृत्यु से खाली हुआ साल 2014 में, यानी कि अपनी मृत्यु से पहले तक गोपीनाथ मुंडे महाराष्ट्र में ओबीसी समुदाय के सबसे कद्दावर नेता हुआ करते थे, लेकिन उनकी मृत्यु के बाद वो जगह खाली हो गई। अब छगन भुजबल मराठा आरक्षण के विरोध को लेकर उस स्पेस को भरने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हें इसमें एक सुनहरा मौका नजर आ रहा है। पिछले कुछ महीनों से जारी मराठा आरक्षण आंदोलन के बीच सरकार ने मान लिया था कि उन्हें कुणबी सर्टिफिकेट देते हुए ओबीसी समाज के तहत आरक्षण दिया जाएगा, इससे ओबीसी समाज में बेचैनी है। उधर भुजबल के बयान को विपक्ष सोची समझी रणनीति बता रहा है। एक दूसरे के हाथ पांव तोड़ने की भाषा हो रही है, आरक्षण के मुद्दे पर एक दूसरे के हाथ पांव काट देने, हाथ पांव तोड़ दे, इस प्रकार की भाषा महाराष्ट्र में हो रही है। उसका मतलब है जहर ये कहां तक फैल गया है। ठीक है, अपने अपनी बात, अपना अपना मुद्दा हम रख सकते हैं, लेकिन किसी और जाति के खिलाफ या किसी और समाज के खिलाफ हाथ पांव तोड़ने की भाषा महाराष्ट्र में इससे पहले कभी नहीं थी। सरकार के लिए अंदर और बाहर दोनों तरफ मुसीबत है। एक तरफ 24 दिसंबर की मनोज जरांगे पाटिल की वो डेडलाइन खत्म होने में अब महीने भर से भी कम का समय बचा है, तो दूसरी तरफ छगन भुजबल ओबीसी मोर्चा के माध्यम से सरकार को घेरने का कोई भी मौका हाथ से नहीं गंवाना चाहते। मुंबई से कैमरा पर्सन अमित पवार के साथ रौनक कुकड़े, NDTV इंडिया के लिए।